हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? फोटो देख के तो समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करूंगा आज। जी हाँ, आज मैं व्लॉग के बारे में बात करूंगा कि हम व्लॉग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो व्लॉग के लिए तो आप सबको पता है क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, मगर हम जब न्यू व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास में इतना बजट नहीं होता है कि हम एक हैवी गोप्रो या एक कैनन हो गया, निकॉन हो गया, इसका कैमरा यूज़ करें। जी समझ सकते हैं आप सब। तो हम लोग अगर स्टार्टिंग से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको बस मिनिमम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कौन सी जगह पे करना है, कैसे करना है, ये हमको कुछ आइडिया नहीं रहता है। तो आज मैं यही आप सबको बताऊंगा कि हमको क्या क्या लेना चाहिए क्या क्या नहीं लेना चाहिए। हमको अगर व्लॉग बना रहे हैं तो हम किस बारे में बनाएंगे, कौन सा कंटेंट हमको चाहिए, बस इस सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो वेट करिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमको चाहिए एक व्लॉग वीडियो बनाने के लिए वो इसमें है। तो मैंने ये मंगाया अमेज़ॉन से और मैं आपको अभी इसको अनबॉक्सिंग तो नहीं बताएंगे मगर खोल के ज़रूर बताएंगे। और ये कितने में आया, क्या कॉस्ट है, ये सब आपको मैं डिटेल्स दूंगा। आप देख सकते हो 439 रुपये में मेरे को ये डिजिटेक का ट्राइपॉड लाइट वेट है, प्लस इसके साथ में एक अपने को ब्लूटूथ रिमोट भी मिलता है। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये स्टैंड प्लस इसके साथ में ये गोरिल्ला पॉट। एक्साइटेड तो लगता है भाई, गोरिल्ला पॉट इसको आप जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। आपको झाड़ पे लगाना हो या आपको कोई रेलिंग पे लगाना हो या आपको कोई स्लोमो बनाना हो, आपका स्काई का हो गया या क्लाउड का हो गया, कोई भी रहने दो, इसको बस आप ऐसे ज़मीन पे रखो स्टैंड बना के, उसके बाद में आपका इस पे छोड़ दो और मोबाइल छोड़ दो। बस 5 मिनट 10 मिनट का टाइमर लगा के आप उसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, स्लो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको अभी तक बताई नहीं, इसके ऊपर के स्टैंड पे जो हमको एकदम सेफ फील होता है, क्योंकि इसमें नहीं कि हम लोग नहीं क्या माइक भी अटैच कर सकते हैं, उसके बाद में आपको कोई लाइट अटैच करना है तो वो भी अटैच कर सकते हैं। ये सबसे इसका एक प्लस पॉइंट है, ओनली ये ट्राईपॉड के साथ में डिजिटेक का लाइट वेट VD ट्राईपॉड, याद रखना, सस्ता है, टिकाऊ है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप चेक कर सकते हो। प्लस इसके साथ में अपने को माइक अटैच करने के लिए जगह भी मिलती है जो दूसरे ट्राईपॉड में नहीं मिलती। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर आपको व्लॉग वीडियो स्टार्ट करना है तो। इसमें स्टेबलाइजेशन अपन इतना तो नहीं बोल सकते कि ज़्यादा होगा, लेकिन स्टेबलाइजेशन अच्छा होता है जिससे आपका वीडियो हलता नहीं है। इसमें आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है जिससे आपका वीडियो लोग देख पाते कि नहीं यार इसके वीडियो में कुछ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ट्राईपॉड, ये बिल्कुल ना भूलिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, वो आपको पता है, माइक मैंने ऑर्डर किया है, मेरा आ रहा है, मेरा बोया का यूनिवर्सल माइक है जो मैंने ऑर्डर किया है, और वो अभी मेरे को मिनिमम 3 दिन या 4 दिन के अंदर रिसीव हो जाएगा। मैं उसका वीडियो भी आपको बना के दिखाऊंगा, लेकिन अभी मेरे को मुझसे सब्र नहीं हो रहा था इसलिए मैंने आप लोग को बताया कि आपको व्लॉग वीडियो बनाने के लिए क्या चाहिए। वो है सबसे पहले एक ट्राईपॉड जिसको आप कैसे भी कैरी कर सकते हैं, जहाँ पक्का मन करे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो, इसको ऐसे रख दो, बस हो गया। अरे रुको रुको रुको, किधर, पूरा नहीं हुआ अभी, अभी बाकी है कंटेंट। तो ये कंटेंट आपके ऊपर है कि आपको क्या पसंद है। अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो आप ट्रैवलिंग के ऊपर वीडियो बना सकते हो, अगर आप कुकिंग करते हो तो आप कुकिंग के ऊपर वीडियो बना सकते हो, अगर आपको जो भी चीज़ आपका डेली रूटीन में आप जो करते हो वो आप, बस ज़्यादा नहीं है, ट्राईपॉड उठा लिया, माइक लगा लिए, मोबाइल अटैच कर लिए, आप जहाँ जा रहे हो आपका ट्राईपॉड, आपका मोबाइल, आपका माइक,
बस हो गया आपका व्लॉग। बस कंटेंट और लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बोलना सीख लो, आप पब्लिक में अगर बोलना सीख गए, इसका मतलब आप सक्सेस हो। ये चीज़ हमेशा याद रखना है दोस्तों, माइक, मोबाइल, ट्राइपॉड और लैंग्वेज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जब भी वीडियो बनाते हो ना, तो बैक कैमरे का यूज़ करना। बैक कैमरा इज़ बेस्ट ऑफ बेस्ट कैमरा फॉर व्लॉग, क्योंकि इससे आपका फेस टू फेस डायरेक्टली आप कैमरे को देख के आपका वीडियो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एक दूसरों से। अगर यही अगर चीज़ आप अगर फ्रंट कैमरे से करोगे, तो आपका जो आइस कॉन्टैक्ट रहेगा ना, वो आपका कैमरे से नहीं, आपके डिस्प्ले से होगा। और आपका फेस इधर नहीं, आपका फेस इधर रहेगा। आप ऐसे बात करोगे, ऐसे में और ऐसे में बहुत डिफरेंस है, याद रखना। ये फेस टू फेस कैमरे में तरफ और ये डिस्प्ले के तरफ, इसमें आइस कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, मोबाइल का कैमरा कभी भी बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर वीडियो व्लॉग। ओके, ये मेरा पहला व्लॉग था। व्लॉग नहीं बताएंगे इसको, जस्ट नॉलेज बताएंगे। मुझसे इसमें गलतियाँ भी हुई होंगी, मुझे पता है, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है। मैंने इससे पहले कभी यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाला। मुझे इससे पहले कोई कोई वीडियो का या आप कांटेक्ट करने का या बात करने का कोई आइडिया नहीं है। फर्स्ट टाइम मेरे दिल से मैं वीडियो बनाया, और इसमें क्या गलत है, क्या सही है, क्या बचा है, ये सब मुझे आप बताओ, कमेंट करो, मोटिवेशन कराओ, थोड़ा मुझे बोलो कि भाई आपको ये बताना चाहिए, ये बताना चाहिए। और रही मेरी बात कंटेंट की, तो मेरा कंटेंट रहेगा ट्रैवलिंग बोलो, या ऐसे मतलब कोई प्लेसेस बोलो, हिस्टोरिकल प्लेसेस, ट्रैवलिंग प्लेसेस, मिनिमम मतलब कोई शॉप्स के विजिट्स, बस इस सब के मैं वीडियो आज से डालने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ बने रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और भाई के साथ बने रहे। बस।